होता है कि रोड से जो सिग्नल नियंत्रण अलाउ तो रोड या रोड से रचना जी आए ना भेवडी मध्ये झाला प्रकार 60 लाखाचे सिग्नल लावले नारळ फोडले पण ट्रॅफिक वाले सांगतात की आम्हाला फ्रिक्वेन्सी भेटत नाही आणि महापालिकेकडून त्यामुळे चालू होत नाही. देखो आज जो भी रस्ते का मसला है, ट्रैफिक के डीसीपी साहब भी थे, सीनियर पीआई भी थे, एमएसआरडीसी के ऑफिसर भी थे, ठेकेदार के भी कुछ आदमी थे. हम लोग ने सब लोग ने जाके, क्योंकि आप देख रहे हैं बहुत दिन से जो भिवंडी में ट्रैफिक का मसला है, चार चार पाँच पाँच छः छः घंटा ट्रैफिक में लोगों को रुकना पड़ता है. आज आप स्कूलों की स्थिति देखी होगी, स्कूल में जाने वाले बच्चे भी तीन तीन चार चार घंटा लेट जा रहे हैं. तो इसके लिए उसमें कुछ उपाय योजना करके जहाँ जहाँ आवश्यकता है हाइट बैरियर बिठा के पाइपलाइन का रास्ता चालू करके हाईवे में कहाँ का एग्जिट देना है, ये सब बात ये सब के बारे में हमारा आज डिस्कस हुआ. और जल्द ही सभी ऑफिसर लोगों ने और एमएसआरडीसी भी ऑफिसर है सभी ने इसमें से जल्द रास्ता निकालने का बात किया है और उसके ऊपर उपाय योजना हो जाए. सर एक बात देखो, ट्रैफिक का मूल कारण ही खड्डे हैं. जो मेन प्रॉब्लम है ट्रैफिक का वो खड्डों का ही है. तो इसके लिए आज साहब को भी मैंने बताया कि जल्द से जल्द जितने भी देखो आज अच्छी धूप है, जल्द से जल्द जितना जल्द से हो जाएगा सभी रास्ते अगर रिपेयर हो जाएगा टाइम टू टाइम तो इसमें बहुत से प्रॉब्लम ट्रैफिक के भी सॉल्व हो जाए. नहीं देखो, ये जो भी है अभी मेरी भी जिम्मेदारी है, अपनी सभी की जिम्मेदारी है. आप भी ध्यान में रखो, अगर 12 से 4 के बाद में अगर ऐसे कोई हेवी व्हीकल वगैरह आते हैं तो आप भी शूटिंग करो, मैं भी शूटिंग करूँगा और उनके ऊपर अपन एक्शन ले लें. नहीं देखो, तो मैंने अभी पहले ही बताया कि काम सब घटिया क्यों हो रहा है, काम लेट क्यों हो रहा है, इनमें आप सब देख रहे हो. एक ठेकेदार ही जिम्मेदार नहीं है, इसमें बहुत से अधिकारी हैं, बहुत से ऑफिसर हैं, बहुत से नेता लोग हैं, ये सब की मिली भगत है. तो इसके लिए इन सब की अभी इंक्वायरी के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बाद में जैसे जानकारी मिलेगी मैं आपको सामने सामने बताएंगे. मेरे पास जो ब्लैक स्पॉट एनालिसिस रहता है, मतलब ये हर साल में जहाँ जहाँ पर जो स्पॉट पे पिछले 3 साल कंटिन्यूस 5 से ज़्यादा अगर दुर्भाग्यवश मौत होती है तो उन स्पॉट्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं और वहाँ पे 4 तरह के कामकाज होते हैं जिसको हम रोड इंजीनियरिंग का काम बोलते हैं, दूसरा है सिग्नलिंग काम होता है, तीसरा है ट्रैफिक मैन पावर मैनेजमेंट और चौथा लोगों में जनजागृति. इन सारे चीज़ों का चारों चीज़ों हैं, इन सारे एंगल्स में कामकाज किया जाता है. और आपको मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि ठाणे शहर में, ठाणे कमिश्नरेट में 2022-23 में 35 ऐसे ब्लॉक्स ब्लैक स्पॉट्स थे, 2023-24 में वो घट के अभी 23 हो गए हैं और इस साल का एनालिसिस आने वाला है. हाँ ये ज़रूर है कि ये स्ट्रेच ऐसा है जहाँ पे हैवी व्हीकल्स की मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, इस वजह से लोगों में जनजागृति होना भी ज़रूरी है. साथ ही साथ रोड के काम में जो अभी जिस दिन कॉन्क्रीटाइजेशन का काम हो जाएगा, अंडर पासेस हो जाएंगे, डाइवर्शंस हो जाएंगे, डिवाइडर्स हो जाएंगे, तो इसमें ज़रूर घटनाएं कम